हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो दिन भर तो पूरा काम में ही निकल गया, मतलब ऑब्वियसली हॉस्पिटल का काम, घर का काम, फिर जर्नी करके आए, वो कपड़ा धोना है, बहुत काम। उसे मम्मी भी बहुत कुछ कर रही है क्योंकि हम लोग का घर पे मेड नहीं है। उसे मेड नहीं रखने का कारण भी है, बहुत कारण है, तो उसको अभी इग्नोर करो। शाम का 7:20 बज रहा है, मैं अभी हॉस्पिटल जाऊँगा मम्मी को पिकअप करने। हाँ, आज पापा के पास नहीं रहना है और अभी विजिट करूंगा तो दिखाऊंगा पापा अभी कैसा है। फिलहाल अभी के लिए ठीक है, बाद में फिर लेके जाना है, काइंड ऑफ चेकअप के लिए भाई भुवनेश्वरी। सो अभी मैं फटाफट निकलता हूँ, ब्लॉगिंग का चक्कर में लेट ना हो जाऊँ। कोई तो गाना सुन रहा है, ओ साजन में आंखों में प्यार हो रहा, गाना सुन रहा, कोई इको हो रहा है हॉस्पिटल में। देख रहा हूँ ना पोस्टर सब कोविड का प्रिकॉशंस, तो भाई अभी टाइमिंग आवर्स नहीं है ना, उधर पापा उधर। कोविड के वजह से हर एक पेशेंट का खाली बस एक ठो अटेंडेंट रह सकते हैं, तो भाई घुसने में भी प्रॉब्लम, और ऊपर से अभी विजिटिंग आवर्स भी नहीं है, तो अगर भाई घुसने नहीं दिया तो उसे मेरे को घुसने नहीं दे रहा था। जस्ट मैंने बोला कि भाई मम्मी को लेना है तो इसलिए मिला घुसने, नहीं तो नहीं मिलता। बहुत झमेला है भाई हॉस्पिटल का ड्यूटी, मतलब हॉस्पिटल ही झमेला है। मरीज़ ठीक हो जाते बट इतना रूल्स टर्म्स एंड कंडीशन होता है ना। सो सुबह सुबह आ गए भाई हॉस्पिटल पापा को लेने, होपफुली डिस्चार्ज हो जाए आज, क्योंकि 10:30 बजे अभी जस्ट 10:30 पूरा बज गया, डॉक्टर आने वाले हैं, तो लेट सी, होप फॉर द बेस्ट कि मिल जाए डिस्चार्ज पापा को। बाकी घर पे ख्याल रख लेंगे हम लोग, हॉस्पिटल में बैठ बैठ के और भाई नहीं हो सकता ना भाई। एक लुक ले, इधर बंद और किधर से एंट्री है, लेट सी, यही तो झमेला है। हाँ, क्या बोल रहा था कि भाई एक इंसान और कितना टाइम हॉस्पिटल में रहेगा भाई, पक जाता है भाई, तो उसे अभी मेरा बापू पक गया, घर आने के लिए छटपटा रहा है, तो ट्राई करूँगा कि आज डॉक्टर से छुट्टी मिल जाए भाई घर पे, बाकी देख लेंगे हम लोग। तो अभी मैं अभी चलता हूँ क्या, तो बापू को छुट्टी मिल गया, आज़ाद है अभी ना, परिंदा आज़ाद होने वाला। अभी एक तो चल रहा है, पीछे डॉक्टर है, देख पा रहे हो ना, तो अभी एक तो ये क्या चल रहा है बाबा, लो हॉस्पिटल में रह के भूल गए। तो ये ख़त्म होने के बाद निकलेंगे, तो ठीक परिंदा आज़ाद हो गया, खुशी देख रहा है खाली घर जाने का, लोग घर जाने का खुशी देखो। अब गाड़ी में जाके वो गाना लगाएंगे, हम तो उड़ गए, उसके जगह में होना चाहिए था हम तो छूट गए, क्योंकि हॉस्पिटल कुछ दिन के बाद ना जेल लगता है, क्योंकि ठीक होने में मैक्स टू मैक्स कितना, ये सब नॉर्मल है ना, हाई बीपी लो बीपी 2 दिन मैक्स टू मैक्स या 3 दिन, तो हो गया भाई बहुत दिन हो गया। 28 तारीख से चल रहा है, 28 से 30 फिर 31 से आज हो गया, तो पापा न्यू ईयर हॉस्पिटल में ही मनाए हैं एक तरफ से। तो अभी और थोड़ा फॉर्मेलिटीज़ है, जैसे कि मेड्स लेना है, उसका देखते हैं। हो गया भाई मेरा तो आज इधर ही, बहुत लंबा लाइन है, मतलब काइंड ऑफ ये जो अभी यू टर्न करके देख रहे हो ना, इधर से शुरू हो रहा है उधर, एक्चुअली इधर ये है मेडिसिन लेने का जगह। तो भाई हो गया, लेट होने वाला है इधर ही, अभी 11:30 बज रहा, 12 बज गया, फाइनली घर आ गए भाई, बापू को लेके घर आ गए, अभी शांति रे भाई, हॉस्पिटल एकदम भाई, मतलब नहीं सहा जाता ज़्यादा, 1-2 दिन 3 दिन मैक्स चलता है, उससे ज़्यादा नहीं भाई। कितना 12:30 बज गया भाई, मेडिसिन लेते लेते 1.5 घंटा 40 मिनट लग गया, इतना भीड़। हाँ तो मैं मास्क क्या पहना है घर कार पे, एक तो साला इतना दाढ़ी, ऊपर से मास्क, ऊपर से भाई मौसम ऐसा, ओहो दाढ़ी भी बहुत हो गया, काटना पड़ेगा। ऊपर चलते, वैसे पापा का कोविड टेस्ट भी हुआ था, अच्छा हुआ भाई नेगेटिव निकला, पॉजिटिव होता तो फिर कितना दिन क्वारंटीन में रहते भगवान जाने। पापा को बोलेंगे एक्सपीरियंस कैसा हुआ, नाक में कैसा घुसा, पूछेंगे थोड़ा देर बाद, अभी तो फिलहाल घर पहुँचे, थोड़ा रेस्ट हो जाता है फिर। तो हॉस्पिटल से आए हुए बहुत टाइम हो गया,
मतलब एक दिन पार हो गया, ये नेक्स्ट डे का रात है। मैं सोचा था कि पापा से बात करके बोलूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि अभी का टाइम में हॉस्पिटल में एडमिट होना, क्योंकि बहुत अभी कोविड पेशेंट भी है प्लस प्रिकॉशन लेना पड़ता है, तो कैसा एक्सपीरियंस था वो मैं पूछना चाहता था पापा को इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बट पापा ने बोला नहीं। ऑब्वियसली अभी पूरा पापा भी टायर्ड है, वीक भी है, तो इट विल टाइम टू हील हिम। तो बाकी और क्या, कोविड का था उसे तो सबको ही पता है कोविड कैसा टेस्ट होता है, बट हाँ फॉर्चुनेटली नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता तब तो भाई लग जाते 21 दिन का लगते शायद, 21 दिन हाँ शायद था नहीं, कोई भी 21 दिन ही शायद, मैं गेस अराउंड कर रहा हूँ। भाई मतलब मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया हूँ ना ये सब चीज़ों के बीच में, मेरा रूम मतलब मैं बिलीव नहीं करूँगा मेरा रूम है इधर। ये वाला ठीक है, ये वाला पार्ट छोड़ो, ये पार्ट देखो, मतलब ये पूरा एकदम मेस है, पूरा एकदम टोटली मेस। कुछ कुछ सामान आ रखा हुआ, अनबॉक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ वो सही है, थर्मोफ्लेक्स में अनबॉक्स कर दिया, चाय पीता हूँ ना तो आधा लीटर भर देता हूँ, पीते रहता हूँ, रेड टी पीता हूँ, इसलिए फ्लेवर चाहिए भाई, फ्लेवर लीफ टी, वो जिसको समझ आता है उन लोग के लिए, जिन लोग को चाय ज़्यादा खाली बस दूध चाय चाहिए अच्छा सा, उन लोगों के लिए सब नहीं है, लीफ का मज़ा लीफ ही है भाई। तो चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, शबर खैर, कैलाश खैर।